नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। जिन लोगों का 65वीं बीपीएससी मेंस क्रॉस हुआ है उन सबको बहुत बहुत बधाई। इंटरव्यू की जो सीरीज हम चला रहे थे उसमें हमने पिछले वीडियो में आपको एक वीडियो में साहित्य से रिलेटेड बातें बताई थी और दूसरे वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से जनरल कुछ प्रश्न होते हैं जो इंटरव्यू बोर्ड पूछ देता है आपसे कि आप इस सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं वगैरह वगैरह, तो उन पर हमने बात की थी। आपने वो वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख लीजिएगा, आपके काम आएंगे। और छोटे वीडियो हैं, कोई इतना टाइम भी नहीं लेंगे, पर आपके लिए उनमें कुछ ना कुछ ज़रूरी ज़रूर मिलेगा। इंटरव्यू के लिए कोई सिलेबस निर्धारित नहीं होता, जिनको लेके आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे और आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तो ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए आप एक चीज़ का ये ध्यान रखें कि सिलेबस निर्धारित ना होने के कारण आपको पढ़ना तो अंदाज से ही पड़ेगा जो आपकी पर्सनालिटी के लिए ज़रूरी है, या पिछले जिन आधारों पर इंटरव्यू हुए हैं वही आधार होते हैं आपके लिए। तो आज हम बात करेंगे हॉबी पर। कुछ लोगों के साथ हॉबी एक बड़ी समस्या होती है, तो हॉबी पर हम कुछ बातें करेंगे। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, तथा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बाद में इसे लाइक भी करें और शेयर कर दें। अगर कुछ और कहना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो हम बात करने वाले हैं हॉबी पर। बहुत सारे स्टूडेंट की ये समस्या रहती है कि हम हॉबी में क्या लिखें। दरअसल वो अपनी हॉबी अभी तक पहचान ही नहीं पाए होते हैं, उनको लगता है कि मेरी हॉबी क्या है मुझे पता ही नहीं है, वो निर्धारित ही नहीं कर पाए, उन्होंने सोचा ही नहीं कभी कि मेरी हॉबी क्या है। हॉबी और इंटरेस्ट में माइन्यूट सा फ़र्क होता है। इंटरेस्ट आपको बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, लेकिन हॉबी आपकी एक दो ही होती हैं। जनरली हॉबी भी आपका इंटरेस्ट ही होता है, लेकिन इंटरेस्ट आपका बहुत सारी चीज़ों में होता है तो आप उसे अवॉइड भी करते हैं। आपके पास समय नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो आप उसको अवॉइड कर देते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे, जब समय मिलेगा तब कर लेंगे, अभी एग्जाम है, अभी इंटरव्यू है तो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन हॉबी के साथ समस्या ये है कि समस्या नहीं कहेंगे पर हॉबी के प्रति क्रेजीनेस थोड़ी ज़्यादा होती है और उसे करने के लिए आप कहीं ना कहीं समय निकाल लेते हैं। तो हॉबी और इंटरेस्ट में बेसिकली यही अंतर होता है। तो आज हम बात हॉबी पर कर रहे हैं। तो जो लोग को ये समस्या है कि हम हॉबी क्या लिखें, तो वो एक दो दिन में जब तक फॉर्म भरना है ये सोचें कि हमारा इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में है, तो अपनी हॉबी उनमें से निकाल लें। अगर जिनकी हॉबी निश्चित है कि वो ये वाली हॉबी पसंद करते हैं तो वो उस हॉबी को अपना भरें और उस हॉबी से रिलेटेड प्रश्न तैयार कर लें। क्योंकि हॉबी भी दो प्रकार की होती हैं, एक सक्रिय हॉबी होती है, एक निष्क्रिय हॉबी होती है। जैसे जैसे अगर हम खेल पर बात करें तो कोई गेम देखना ये निष्क्रिय हॉबी है और कोई गेम खेलना ये सक्रिय हॉबी है। मोबाइल गेम की बात नहीं कर रही हूँ, फील्ड गेम की बात कर रही हूँ, जैसे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया आदि। तो देखना भी हॉबी है लेकिन वो निष्क्रिय हॉबी है, और खेलना आपकी सक्रिय हॉबी है। तो आप कोशिश करें कि आप सक्रिय हॉबी को लिखें उसमें, और एक दो हॉबी लिखें, ज़्यादा हॉबीज ना लिखें, क्योंकि प्रश्न भी बनते हैं, आपको तैयार भी करना होता है। और ऐसी हॉबी भी ना लिखें जिससे कोई प्रश्न बने ही ना, क्योंकि हॉबी एक आपके लिए सेफ जोन होता है। अगर आपने हॉबी लिखी है और हॉबी में प्रश्न बनने लायक है तो इंटरव्यूअर आपसे हॉबी पर प्रश्न करता है, और हॉबी पर प्रश्न करने का मतलब है कि आपके सिलेबस के अंदर का प्रश्न है, सिलेबस के बाहर का नहीं है। मतलब हॉबी आपकी तैयार है, हॉबी से प्रश्न कर रहा है मतलब आप सही से आंसर दे पाएंगे। तो ऐसी हॉबी चुने कि इंटरव्यू उस पर प्रश्न, इंटरव्यू बोर्ड उस पर प्रश्न करे और आप उत्तर देने के लिए सक्षम हों। कुछ लोग पूछते हैं कि मैंने देखा सोशल मीडिया पर भी कि योगा को अपनी हॉबी रखें क्या, योगा हॉबी रख सकते हैं? रखने को तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी रख सकते हैं हॉबी में, कोई बंधन नहीं है। लेकिन योगा हॉबी की बजाय एक ज़रूरत ज़्यादा है, और बहुत कम लोग हैं जो योगा को बड़े शौक से करते हैं।
और अगर ऐसा करते भी हैं तो भी योगा पे इतने सारे लोग योगा भरते हैं कि योगा कोई विशेष हॉबी रह नहीं जाती प्रश्न पूछने के लिए इंटरव्यू बोर्ड को। आप भर सकते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं है, आपके नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन प्रश्न पूछने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो आप ऐसी हॉबी दें जिससे इंटरव्यू बोर्ड आपसे प्रश्न भी करे, क्योंकि प्रश्न करेगा तो आपके सिलेबस के अंदर का प्रश्न रहेगा जिससे आप उत्तर दे के नंबर पा सकते हैं, क्योंकि हॉबी आप तैयार करके जाते हैं। और जब हॉबी पे प्रश्न हो जाएंगे तो आपके अन्य प्रश्न की बारंबारता घट जाएगी, तो इस तरह की हॉबी करें। दूसरी चीज़, कुछ लोग लिख देते हैं कि बुक्स पढ़ना, आपको पता है ये कितना वर्सटाइल हो जाता है, ये कितना ब्रॉड हो जाता है। आपने बुक्स पढ़ना लिखा, मतलब आपने सभी बुक्स का क्राइटेरिया दे दिया कि हम बुक्स पढ़ते हैं, मतलब इंटरव्यू कहीं से भी पूछ ले इंटरव्यू बोर्ड, और आप इतना कहाँ से आंसर दे पाएंगे, बुक्स का एरिया आप समझ रहे हैं। तो जब भी इस तरह की कोई हॉबी दें कि बुक्स पढ़ना ये करना, तो उसको स्पेसिफाई करें, उसको निर्धारित करें कि आपको कौन सी बुक पढ़ना पसंद है, और अगर ये पसंद है तभी दें, क्योंकि इसके साथ एक समस्या ये भी है कि अब आप फॉर्म भरने के साथ साथ अब आप कोई भी इतनी बुक्स नहीं पढ़ पाएंगे कि आप उत्तर दे पाएं। तो या तो आप नॉवेल वगैरह सिर्फ ये लिख सकते हैं कि मुझे कहानियाँ पसंद हैं या नॉवेल पसंद हैं, उनमें भी आप लिख सकते हैं कि मुझे जो आधुनिक नॉवेल हैं वो पसंद हैं, लेकिन किसी एक राइटर का मत लिखिएगा कि मुझे एक ही राइटर का, चेतन भगत का या किसी एक का ही पसंद है, वो नहीं ठीक है। आप एक समय का लिख सकते हैं कि इस समय के या इस प्रकार के नॉवेल हमको पढ़ने पसंद हैं, उसमें भी हिंदी इंग्लिश मेंशन करिएगा ताकि इंटरव्यू बोर्ड आपसे अगर हिंदी नॉवेल लिख रहे हो तो हिंदी में ही प्रश्न करे। दूसरा, कुछ क्रिएटिव हॉबी हैं जिन्हें आप भर सकते हैं। अगर आपकी अपनी हॉबी में समस्या है तो जिनके पास अपनी हॉबी है वो अपनी हॉबी भर सकते हैं। क्रिएटिव हॉबी जैसे आप भर सकते हैं होम डेकोरेशन, मुझे घर सजाना बहुत पसंद है, इस पर आप बता भी सकते हैं, वो पूछ सकते हैं कि कैसे सजाते हैं तो आप बता सकते हैं। दूसरा, आप जैसे गार्डनिंग तो ज़्यादातर लोग भरते हैं, लेकिन आप इसे भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, गार्डनिंग भी भर सकते हैं, पर अधिकतर लोग इसको भरते हैं तो ये बहुत कॉमन हॉबी है। आप एक और चीज़ भर सकते हैं, जैसे वेस्ट मटेरियल से चीज़ें बनाना, ये मेरी हॉबी है। ये आप दे सकते हैं कि जो बेकार सा मटेरियल हो जाता है, जो यूज नहीं होता घर में, मतलब उससे मैं नई नई चीज़ें या डेकोरेशन की चीज़ें बनाने की हॉबी रखती हूँ या रखता हूँ, तो ये दे सकते हैं आप। न्यूज़पेपर से डेकोरेशन की चीज़ें बनाना, या ये वेस्ट मटेरियल में भी आ जाएगा, लेकिन स्पेसिफाई भी कर सकते हैं आप। दूसरा, इस तरह की हॉबीज आप भर सकते हैं, ये हॉबी अच्छी होती हैं और इनसे प्रश्न भी बनता है, तो आप आसानी से उत्तर भी दे पाएंगे और अच्छा भी लगेगा कि आपने ये भरा। आप घूमना पसंद है, घूमना में कहाँ घूमना, क्या घूमना, ऐसे नहीं लिख देना कि कुछ भी, घूमने में आप स्पेसिफाई करें, वरना वो पूछ देंगे कहाँ कहाँ घूमे हैं आप, तो हम कहीं नहीं गए, तो फिर क्या घूमना पसंद है आपको। आप लिख सकते हैं हमको, जैसे आपके आसपास अगर नदी है, आप लिख सकते हैं हमको स्विमिंग पसंद है, तो स्विमिंग के बारे में अगर दो चार जो कर रहे हैं स्विमिंग या उस तरह से, आप उनके बारे में बता सकते हैं, स्विमिंग के क्या क्या रूल होते हैं, क्या क्या कॉस्ट्यूम होते हैं, वो आप बता सकते हैं। स्विमिंग करना आप अपनी हॉबी बता सकते हैं। आप गीत गाना हॉबी बता सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो, नहीं तो फिर फोक गीत, जो लोकगीत हैं हमारे, उनका नाम ले सकते हैं, और लोकगीतों पे जो लोकगीतों के राइटर हैं, और जो लोकगीत में भी, जैसे अगर आप बिहार के हैं, भोजपुरी के हैं, मैथिली के हैं, तो आप उनको स्पेसिफाई कर दीजिए। मधुबनी पेंटिंग कर सकते हैं आप, मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, ये कर सकते हैं कि मुझे इसका करने का शौक़ है, तो ये लिख सकते हैं। अगर आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई इन सब का शौक है, तो आप ये भी दे सकते हैं कि मुझे कढ़ाई करनी आती है, तो कढ़ाई में कुछ नाम याद कर लीजिए, कौन कौन सी कढ़ाई होती है, जैसे चिकन है, सिंधी है, इस तरह से नाम दे दीजिए, तो नाम याद रख लीजिए, अगर पूछता है तो बता सकते हैं आप।
तो ये कुछ हॉबी हैं जिन्हें आप रख सकते हैं। आप ऐसी निष्क्रिय टाइप की हॉबी मत रखिएगा कि गाने सुनना मेरी हॉबी है। गाने सुनते हैं तो फिर गानों का इतना ब्रॉड हो जाता है, अगर वो प्रश्न नहीं करेगा तो निष्क्रिय हो गई, और अगर प्रश्न कर दिया तो इतना ब्रॉड एरिया है कि आप आंसर नहीं दे पाइएगा। या तो फिर आप किसी विशेष प्रकार के गाने जैसे बता सकते हैं कि मुझे गजल सुनना पसंद है, तो सिर्फ गजल ही मेंशन करिए कि मुझे गजल पसंद है, तो आप गजल के बारे में पढ़ लीजिए, गजल और गजल के राइटर्स पढ़ लीजिएगा, ये आप कर सकते हैं। सूफी सॉन्ग सुनना पसंद है, इस तरह से कर सकते हैं। केवल सॉन्ग मत लिखना, नहीं तो बहुत ज़्यादा एरिया बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप हॉबी में दे सकते हैं। जैसे आप दे सकते हैं, आप ये मत कहना कि मुझे विदेश घूमना पसंद है, क्योंकि आपकी अभी क्षमता भी नहीं है विदेश जाने की, तो ऐसी हॉबी नहीं हो सकती। तो बाद में हॉबी बदल सकती है, लेकिन अभी ये हॉबी आप नहीं रख लीजिएगा कि विदेश घूमने का मुझे बहुत शौक है। जब आप कहीं नहीं जा सकते तो विदेश घूमने का शौक क्या रखेंगे। हाँ, अगर आप पढ़े, आप विदेश से ही कुछ डिग्री लेकर कुछ ऐसे करके आए हैं तो भले दे सकते हैं, जनरली नहीं। आप दे सकते हो कि मुझे मंदिरों में जाना बहुत पसंद है, या मुझे सांस्कृतिक धरोहर देखना बहुत पसंद है। तो आप अगर नहीं भी कहीं गए हो तो नेट से उसका निकाल लीजिए और उसके बारे में तैयार कर लीजिए। इस तरह की जो हॉबी है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, और ये हॉबी आप दे सकते हैं। ऐसी कोई हॉबी मत दीजिएगा जो निगेटिविटी लाती हो। निगेटिविटी वाली हॉबी मत दीजिएगा। टीचिंग हो गया, मुझे टीचिंग करना पसंद है, मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाना पसंद है, ये सब मत दीजिएगा। ये बहुत सामान्य सी बातें हैं जो लोग करते ही हैं, इसमें कुछ हॉबी जैसा नहीं होता। दूसरों की सेवा करना ये हॉबी नहीं, आपका कर्तव्य है, ये आपको करना ही होता है। जब कोई परेशानी में है, कुछ है, तो ये आपका कर्तव्य होता है कि आप उसकी हेल्प करें। तो दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की सेवा करना, बड़े बूढ़ों की सेवा करना, ये काम है, ये हॉबी नहीं है। तो ये सब मत दीजिएगा, और ऐसी कोई हॉबी मत दीजिएगा जिससे आपकी महानता जाहिर हो कि आप बहुत महान व्यक्ति हैं। आप सच्चे लगें, जेन्युइन लगें। इंटरव्यू में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जेन्युइन लगें, आप सच्चे इंसान लगें, आप लगें कि आप बनावटी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप गेम, अगर आप ये देते हैं कि कोई गेम देना चाहते हैं खेलने का, तो आप कबड्डी दीजिए, गाँव के खेल दीजिए, कबड्डी दीजिए, खो खो दीजिए, ये जो गिल्ली डंडा खेला जाता है वो दीजिए, कंचा दीजिए, बहुत अच्छे हैं ये सब गेम दीजिए। अगर आप इनको खेलना पसंद नहीं भी करते हैं तो दे दीजिए, इनमें कोई बहुत जानकारी नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत पता कर लीजिए कंचा कैसे खेले जाते हैं, ये सब दे सकते हैं आप। खो खो दे सकते हैं, उसके थोड़े से जो भी रूल रेगुलेशन है खो खेलने के, वो पता कर लीजिए। ये ग्रामीण क्षेत्र के आंचलिक खेल हैं, ये बहुत प्रभावित करते हैं अगर इनमें आपकी रुचि है। क्रिकेट खेलना, क्रिकेट तो सबको पसंद है, सब खेलते हैं, वो इंटरव्यू बोर्ड वाले भी खेलते हैं, आप भी खेलते हैं, सब खेलते हैं। क्रिकेट बहुत कॉमन चीज़ है, आपको पसंद भी है तब भी मैं कहूँगी क्रिकेट मत दीजिएगा, बहुत कॉमन चीज़ है। आप कोई ग्रामीण अंचल का खेल दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तरह की और कोई हॉबीज, अगर आपको कुछ हॉबीज के प्रति आपके प्रश्न भी रहें तो आप हमें कमेंट सेशन में लिखिएगा, हम उन सारे कमेंट्स पर आंसर देंगे। और अगर ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे तो मैं उन सभी कमेंट्स को लेकर वीडियो बनाऊंगी और उन सभी कमेंट्स के स्पेशल उत्तर आपके वीडियो में दूंगी। तो हॉबी से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न हो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जो जो मेरे दिमाग में हॉबीज़ आईं, जो जो मुझे सही लगती हैं वो मैंने बताई, जो ज़रूरी हैं, जो मैंने सीखी थी जब IAS दे रही थी, जब PCS UP का PCS दे रही थी, जब मुझे सिखाई थी मेरे टीचर्स ने, वो मैंने आपके साथ शेयर की, और वो बहुत आवश्यक है। और मैंने देखा भी इंटरव्यू बोर्ड बहुत सहज होके आंसर करता है, बहुत सहज होकर आंसर चाहता भी है, बड़ा लिबरल होता है वो हमारे प्रति, वो हमको बहुत सहज रखता है, इसलिए हमको सहज ही उत्तर देना है, सहज इंसान की तरह, अति भावुकता में भी नहीं और अति रोबोटिक नहीं। मतलब हमको ऐसे नहीं दिखाना कि मैं बहुत मशीन की तरह काम करने वाला हूँ, मेरी कोई हॉबी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, इस तरह का नहीं।
आपको दिखाना है कि आप एक सहज इंसान है, नॉर्मल जैसे इंसान होते हैं वैसे ही हम भी है, हमें कोई ऐसी महानता नहीं है, हम कोई महापुरुष नहीं है, हम विवेकानंद भी नहीं है, हम रविन्द्रनाथ टैगोर भी नहीं है, हम गांधी जी भी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ एक आम इंसान है जो सिविल सेवा में जाना चाहता है। तो आशा है ये वीडियो आपको लाभ देगा, आप इसे जरूर देखिएगा। धन्यवाद।